शुक्रवार को घर में दिख जाए छिपकली तो तुरंत करे यह काम, मुंह से निकलते ही मनोकामना तुरंत होगी पूरी। क्या आप जानते हैं कि छिपकली आपके घर में आने के कुछ संकेत देती है? ये आपको बुरा वक्त आने का भी इशारा करती है, इसलिए आज हम आपको 3 संकेतों के बारे में बताने जा रहे जिन्हें छिपकली देती है। छिपकली का मरना। घर में छिपकली अगर आ जाए और वह मरने वाली हो या मर जाए तो समझ लें कि आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का साया है। छिपकली का घर में आना बुरी आत्माओं को बुलावा देता है। इस सबसे छुटकारा पाने के लिए आपको अपने घर में हवन पूजा पाठ करवाना चाहिए, क्योंकि बिना घर में पूजा किए ये नकारात्मक ऊर्जा नहीं जाएगी। छिपकली का भागना। आपने देखा होगा जब छिपकली आपके घर में आती है तो कई बार वह खुद ही भागने लगती है, यानी कि आपके भगाने से पहले ही वो यहाँ वहाँ दौड़ रही होती है। तो इसका साफ मतलब ये होता है कि आपके घर में धन की कमी होने वाली है, आपके बनते काम भी बिगड़ सकते हैं। कुल मिलाकर आपका बुरा समय शुरू होने वाला है, जिसका संकेत ये छिपकली आपको दे रही है। छिपकली का आवाज करना। वैसे तो आपने कभी छिपकली की आवाज नहीं सुनी होगी, क्योंकि ये जब भी घर में आती है तो चुपचाप ही इधर उधर घूमती रहती है। ये किसी को नुकसान नहीं करती है, लेकिन जब छिपकली आवाज करने लगे तो समझ जाए किसी के साथ दुर्घटना घटने वाली है। आपके घर में कोई बड़ी या फिर छोटी दुर्घटना भी घट सकती है। छिपकली आपके बुरे वक्त के बारे में बहुत कुछ दर्शाती है, इसलिए आपको कभी भी छिपकली दिखे तो उसके द्वारा दिए जाने वाले ये सभी संकेत समझ लें।